मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर लालघाट स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए विशेष है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना से लेकर अंतिम सांस तक अपने जीवन को यज्ञ में आहुति की तरह समर्पित करते हुए देश नहीं पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की पताका फहराई और राजनीति का एक बड़ा दर्शन दिया। इस दर्शन को विश्व एकात्मक मानव दर्शन के रूप में जाना जाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और उनका जीवन सफल हो, ऐसे हर संभव प्रयास करना इस दर्शन का मूल भाव है। सभी के कल्याण के सुंदर विचार लेकर जिन्होंने राजनीतिक यात्रा का नेतृत्व किया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में समर्पण दिवस का आयोजन हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। डॉक्टर यादव ने भाजपा द्वारा आरंभ आजीवन सहयोग निधि संग्रहण में अपना योगदान भी दिया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि आज ही के दिन झाबुआ में यशस्वी प्रधानमंत्री वैश्विक नेता तथा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को सार्थक करते हुए प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र व आदिवासी अंचल के झाबुआ पधार रहे हैं। मोदी का मानना है कि पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए उनके आसपास होना आज झाबुआ में जनजातीय बंधुओं के बड़े कुंभ का आयोजन है। आज का दिन हमारे लिए और खास है। सालों पहले एक ऐसे व्यक्तित्व ने जनसंघ की स्थापना के समय से लेकर के अपने जीवन के अंतिम सांस तक लगातार अपने पूरे जीवन को यज्ञ में आहुति की तरह समाहित करते हुए देश में नहीं दुनिया में भारतीय संस्कृति की पताका फहराई, राजनीति का एक नया दर्शन दिया जिसको एकात्म मानव दर्शन के नाते से दुनिया जानती है, जिसका मूल भाव गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आए, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति हो, उसका मानव जीवन सफल हो, ऐसा सुंदर विचार लेकर जिसने अपनी इस नई राजनीतिक यात्रा का नेतृत्व किया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में मैं आज इस समर्पण दिवस में भोपाल में सम्मिलित हुआ हूं। और आज हम सबका सौभाग्य है, आज ही के दिन झाबुआ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व हमारे अपने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को सार्थक करते हुए आज हमारे अपने पिछड़े क्षेत्र सर्वाधिक आदिवासी अंचल के धार झाबुआ ऐसे क्षेत्र में हमारा बड़ा एक तरह से हमको संकेत भी कर रहे हैं और वो हमको समझ में भी आ रहा है कि जो पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति है उनके जीवन में बदलाव आए तो उनके घर की तरफ जाना पड़ेगा, उनके गांव की तरफ जाना पड़ेगा, उनके जिलों में जाना पड़ेगा। आज एक तरह से कार्यकर्ता कुंभ की तरह से आदिवासी हमारे जनजाति बंधुओं का बड़ा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी ने जीवन के सब क्षेत्रों में सब बराबरी से विकास की जो कल्पना की, खास करके धार झाबुआ तो हम सौभाग्यशाली है जहाँ तीन तीन राजमार्ग मिले, जहाँ धार झाबुआ तो सेंटर रहेगा जहाँ से बराबरी से दिल्ली और बम्बई एक समान 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे के माध्यम से पहुँचा जा सकेगा। रेल की सुविधा हो, हवाई यातायात की सुविधा हो, तमाम प्रकार की सुविधाएं सभी क्षेत्रों में समान रूप से पहुँचे, ऐसा माननीय मोदी जी का विजन है और हम उनके इस विजन को लेकर के केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार डबल इंजन की तरह चलने को तत्पर है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।